बस कुछ ही दिनों बाद मदर्स डे है एंड आप लोगों ने प्रिपेयर तो कर ही लिया होगा कि माँ के लिए क्या बनाना है। तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि कुछ मीठा ट्राई कर लेते हैं एंड बहुत लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं शुगर इस बार तो अवॉइड करेंगे, हम कुछ नमकीन ट्राई करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीखा, नमकीन, मीठा सारी रेसिपीज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी की केक, बिल्कुल कम चीनी के साथ इसे बनाएंगे एंड चाहो तो आप चीनी अवॉइड भी कर सकते हो। मैं आगे आपको बताऊँगी कि आप चीनी की जगह क्या यूज कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो रेसिपी को एंड तक वॉच करिएगा एंड रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है। अगर आप वेट से कहो तो 200 ग्राम के आसपास है। आप वेट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरी सेट कर सकती हो ताकि मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो एंड चाहो तो आप यहाँ पर गेहूँ का आटा या फिर मैदा का भी यूज कर सकते हो। सो सूजी को ट्रांसफर कर रही हूँ मैं ग्राइंडर जार में और बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लेंगे तो अप्रॉक्स 1 मिनट का टाइम लगेगा एंड फाइनली देख सकते हो बिल्कुल बारीक पिसा है। अगर आप मोटी वाली सूजी भी ले रहे हो तो बिल्कुल वो बारीक पिस जाएगा। तो फिलहाल इसे साइड में रखेंगे एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिक्सिंग बॉल एंड इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो यहाँ पर ताज़ी दही का यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है, अप्रॉक्स 2 बड़ा चम्मच के आसपास है। आप चाहो तो यहाँ पर 1 का यूज़ कर सकते हो, 2 एग यहाँ पर आप यूज़ कर लेना। और साथ में मैं यहाँ पर 1/2 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म दूध का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और साथ में ऐड कर रही हूँ चीनी, तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर खांड का यूज़ कर सकते हो, मिश्री को बिल्कुल पीस कर यूज़ कर सकते हो या फिर गुड़ का यूज़ कर सकते हो, भूरा का यूज़ कर सकते हो। आप कोई स्टीविया वगैरह यूज़ करते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो एंड साथ में ऐड कर देंगे सूजी जो पीस करके तैयार किया था और बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्स करने के बाद अप्रॉक्स 12 से 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर छोड़ेंगे बिकॉज जो सूजी होता है वो दूध में या फिर पानी में जाने के बाद हल्का राइज होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ढक दे रही हूँ और वेट करेंगे 15 मिनट का। सो 15 मिनट के आसपास हो चुका है एंड देख सकती हो सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। तो इस स्टेज पर ऐड करेंगे पानी, आप चाहो तो दूध का भी यूज़ कर सकती हो। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़ा चम्मच पानी ऐड किया है और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली देख सकती हो बैटर का बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी, इसे बहुत ज़्यादा ना तो आपको थिक करना है ना ही बहुत ज़्यादा थिन करना है। तो इस चीज पर अब मैं ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ जो कि आपको घर पर बिल्कुल आसानी से मिल जाए। आप चाहो तो कोई फ्लेवर यूज़ कर सकते हो जैसे कि कोकोया पाउडर या फिर कोई एसेंस यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर यूज़ किया है, 1/2 छोटा चम्मच इतना यूज़ किया है। आप चाहो तो 2 छोटी इलायची को चूर कर ऐड कर सकते हो। और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इनो, तो आप चाहो तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 छोटा चम्मच ग्रीन वाला जो इनो होता है वो, आप चाहो तो 1 पैकेट यूज़ कर सकते हो। एंड आपको इनो के साथ में नहीं बनाना है, मतलब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करना है, तो 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून आप दोनों ऐड कर लेना एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट अब चलिए केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ऐसिंग टिफिन बॉक्स लिया है, तो इसमें अच्छे से तेल को ग्रीस कर लेंगे एंड मैदा से डस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सस्ता वाला केक टिन तैयार है। आप चाहो तो यहाँ पर 5 मिनट पेपर लगा सकती हूँ। एंड जो हमारा बैटर है उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 छोटा चम्मच तेल। यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल छोड़ करके आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, मतलब आप रिफाइंड तेल यूज़ करना है, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड केक टिन में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। एंड ऊपर से मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आलमंड्स, काजू और जो ड्राई वाला नारियल होता है वो यूज़ किया है। ये तो हर घर में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, बट आप चाहो तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी या फिर चोको चिप्स या फिर कोई और स्प्रिंकल वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल कम चीज़ों में एंड घर में रखी चीज़ों से तैयार किया है। तो आप इस केक से अपनी मदर को बिल्कुल सरप्राइज और खुश कर सकते हो। तो फाइनली हमारा केक तैयार है, तो इसे अब हम बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है और इसमें मैं एक प्लेट ऐड कर रही हूँ एंड केक टिन को ऐड करके ढक करके अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आप इस सेम प्रोसेस को कुकर में कर सकती हो, बट जो कुकर का ढक्कन है उसमें से आप रबड़ और सीटी दोनों को निकाल लेना एंड सेम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करना है। एंड आप कढ़ाई में भी सेम तरीके से बेक कर सकते हो। तो बस अब मैं आपको दिखा रही हूँ 45 मिनट के बाद देख सकती हूँ केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। तो इसे हम निकालेंगे बाहर और अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड ढकना है, उसके बाद ठंडा करना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 10 मिनट के बाद केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो आप जब भी केक की कटिंग कर रहे हो या फिर केक को निकाल रहे हो बर्तन से, तो बिल्कुल ठंडा करके निकालना है, वरना जो केक है वो टूट जाएगा।
केक का जो साइड है उसे हम चाकू से निकाल लेंगे एंड बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपका, बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बाहर आया है। तो बस इसे हम कट करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। आप चाहो तो किसी और तरीके का डेकोरेशन कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऐड किया है, तो बिल्कुल कंप्लीट हमारा केक रेडी है। सो मेरी फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना एंड आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई हुई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। सो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल पर न तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।